श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 54वां शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। शिशुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सबके सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी, डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक ना सह सके, वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, करीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड़ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुँचे, जांगे और पैर कटकट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कटकट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासंसा हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और ना तो शरीर पर कांति, उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23-23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार, 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं ना तो कभी शोक करता हूँ और ना तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झंझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हम उन्हें भी जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी, जो मरने से बचे थे, अपने अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले गए और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बली तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूँ कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मणी को ना लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंडीनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। परीक्षित, यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बलबीरे का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर कर ले गया। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर, यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है।
अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खत्म किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिध, पट्टिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने से पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विह्वल हो गई और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगत पते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभो, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर काँप रहा था। शोक की प्रबलता से मुख सूख गया था, गला रूंध गया था। आतुरतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख ना हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केश कई जगह से मुंड कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमल वन को रौंद डालता है। फिर वे लोग उधर से लौटकर श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंड कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा ना मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है। उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है। मरे हुए को फिर क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसीलिए यह शास्त्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण से बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। अब वे रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु है और यह उदासीन है। समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु हैं एक ही, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। साध्वी,
नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है। इसीलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का ना तो कभी वियोग होता है और ना संयोग। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है, फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना अपने आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के ना होने पर भी स्वप्न में भोगता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसीलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसीलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण बच रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी, अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडीनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसीलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों ना हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्रियाँ उपहार में दी। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएँ बहुत ऊँचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएँ, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल के भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कौतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सुजन्ने, कैकेय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्याएं अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 54वां समाप्त।